Hello learners, today we will continue with the international business. In the last session we read meaning of international business, features of international business, then advantages of international business, and then we saw the difference between the international business and domestic business. In this session we will study the different modes of entry into international business. So jab koi company decide karti hai international business ke liye ya international market mein aane ke liye, to uske paas kaun se मोड्स होते हैं, कौन कौन से वेज होते हैं टू एंटर इनटू द इंटरनेशनल मार्केट. कंपनी कौन सा मोड ऑप्ट करती है ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि साइज ऑफ बिजनेस, इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अट्रैक्टिवनेस ऑफ फॉरेन मार्केट, मार्केट पोटेंशियल कॉस्ट एंड बेनिफिट एंड रिस्क फैक्टर्स. तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इन डिफरेंट मोड्स को. तो सबसे पहला जो है वो है एक्सपोर्टिंग. Exporting is the simplest and widely used mode of entering foreign market. दो तरह की exporting होती है, indirect exporting and direct exporting. Indirect exporting में क्या होता है कि जो domestic company होती है वो किसी third party के through, middleman या जिसको हम intermediary कहते हैं, उसके through foreign buyers को, importers को goods sell करती है. सो इनडायरेक्ट ये जो मिडल मैन होते हैं ये जो भी कंपनी के एक्सपोर्ट ऑपरेशंस होते हैं उनको हैंडल करते हैं. सो ये जो मेथड होता है इट इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड एंड द क्विकेस्ट अप्रोच टू एंटर फॉरेन मार्केट्स फॉर स्मॉलर कंपनीज. सो स्मॉलर कंपनीज के लिए ये जो मेथड होता है ये जो है वो बेस्ट मेथड होता है. दो तरह की कंपनीज जो होती है वो इंटरमीडियरी का रोल प्ले करती है. एक तो है एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनीज और दूसरी एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज. एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनीज जो होती है वो डोमेस्टिक कंपनी के बिहाफ पे उनकी गुड्स को परचेज कर लेती है और उनको आगे फॉरेन जो बायर्स हैं उनको सेल करती है. बट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी उनकी जो ट्रांजेक्शन्स होती है उनको मैनेज करती है. वो उनके लिए कंपनीज के लिए बायर्स, फॉरेन बायर्स अरेंज करती है, उनकी ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करती है, इंश्योर करती है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है वो एज़ पर द कंडीशंस हो रही है. सो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग के केस में जो कंपनीज होती है, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनीज होती है वो रिस्क भी बियर करती है. बट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो होती है वो केवल कंपनी की जो ट्रांजेक्शन्स है उनको मैनेज करती है, उनको हैंडल करती है. नेक्स्ट जो है वो है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग. अब डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या होता है कि जो डोमेस्टिक कंपनी होती है वो डायरेक्टली विदाउट एनी मिडल मैन डायरेक्टली फॉरेन मार्केट में अपनी गुड्स सेल करती है. तो उनका कोई कंपनीज की जो कोई ब्रांच होती है या उनके कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फॉरेन मार्केट में, ये उनके थ्रू जो है वो गुड्स जो है वो सेल करती है. सो नेक्स्ट जो मेथड है वो है लाइसेंसिंग. सो लाइसेंसिंग इज़ ए पॉपुलर मेथड ऑफ एंटरिंग फॉरेन मार्केट्स. इन दिस मोड ऑफ एंट्री द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर लीज द राइट टू यूज़ इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो लाइसेंसिंग के केस में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर होता है वो जो उसके पास उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी है उसके पास, कोई वर्क मेथड, पेटेंट्स, कॉपीराइट है उसके, ब्रांड नेम है, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, वो फॉरेन कंट्री के मैन्युफैक्चरर को उसका राइट देता है यूज़ करने के लिए, उसको राइट देता है. इसके बदले में कुछ फीस चार्ज की जाती है. सो हियर द मैन्युफैक्चरर इन द डोमेस्टिक कंपनी इज कॉल्ड लाइसेंसर. सो जो मैन्युफैक्चरर होता है डोमेस्टिक कंपनी का, कंट्री का, उसको लाइसेंसर कहा जाता है एंड द मैन्युफैक्चरर इन द फॉरेन कंट्री इज कॉल्ड लाइसेंसी. सो एग्जांपल, सपोज कंपनी ए मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी वॉज बेस्ड इन इंडिया. तो सपोज कोई कंपनी ए है जो कि इंडिया बेस्ड कंपनी है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है. अब कंपनी अपना बिजनेस चाइनीज़ मार्केट में एक्सपेंड करना चाहती है, तो क्या करेगी कंपनी कि चाइनीज़ किसी कंपनी को अपने जो ज्वेलरी के जो पेटेंट है वो लीज पे देगी और चाइनीज़ कंपनी जो है वो ज्वेलरी को मैन्युफैक्चर करेगी, वहाँ पे सेल करेगी चाइना में. सो इस तरह से दिस इज़ द अनदर मोड टू एंटर इनटू द फॉरेन मार्केट. नेक्स्ट है फ्रेंचाइजिंग. सो अगला जो मोड है टू एंटर इनटू द इंटरनेशनल मार्केट दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंचाइजिंग. तो फ्रेंचाइजिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग. अंडर अ फ्रेंचाइज द टू पार्टीज जनरली एंटर इनटू अ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट. दिस एग्रीमेंट अलाउज द फ्रेंचाइजी टू यूज़ द फ्रेंचाइजर्स बिजनेस
मॉडल, ब्रांड नेम एंड सेल इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज. इन रिटर्न द फ्रेंचाइजी पे अ फी टू द फ्रेंचाइजर. सो द फ्रेंचाइजर जो होता है, जो ओनर होता है, वो डिफरेंट तरह की सर्विसेज जो होती है वो फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रेडमार्क, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें R&D, प्रोडक्ट डेवलपमेंट आ जाता है, देन प्रोडक्ट रेपुटेशन, कंटिन्यूस सपोर्ट सिस्टम लाइक एडवर्टाइजिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, रिजर्वेशन सर्विसेज, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम एक्सेट्रा. तो फ्रेंचाइजिंग में ये जो सपोर्टिंग सर्विसेज होती है, ये भी जो फ्रेंचाइजी होता है वो फ्रेंचाइजर को प्रोवाइड करता है. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम फ्रेंचाइजिंग के, जैसे कि मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, KFC, पिज़्ज़ा हट, सबवे एक्सेट्रा. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम फ्रेंचाइजिंग इन इंडिया. ये इंटरनेशनल कंपनीज है जो कि फ्रेंचाइजिंग के थ्रू, जिन्होंने फ्रेंचाइजिंग के थ्रू इंडिया में एंटर किया है. नेक्स्ट है स्पेशल मोड्स. सो सम कंपनीज कैनॉट मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट टू एंटर फॉरन मार्केट्स, देयरफॉर दे मे यूज स्पेशलाइज स्ट्रेटजीज. तो क्या क्या स्ट्रेटजीज दे कैन अडॉप्ट? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड टर्नकी प्रोजेक्ट्स. सो देखते हैं अब इनको. सो सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या करती है, कुछ कंपनीज क्या करती है कि जो उनका प्रोडक्शन वाला पार्ट होता है वो उनको आउटसोर्स कर देती है और खुद जो है वो मार्केटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करती है. सो इस प्रैक्टिस को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. फॉर एग्जाम्पल जो नाइकी है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, उसने क्या किया है कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो कंपनीज़ है उन वहाँ पे जो उनके फुटवेयर्स है वहाँ पे बनते हैं, और खुद जो अमेरिकन कंपनी है नाइकी, वो खुद मार्केटिंग पे जो है फोकस करती है. इसके अलावा मेगा टॉयज़ जो कि US बेस्ड कंपनी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है चाइनीज़ प्लांट के साथ, जो कि उनके टॉयज़ को जो प्रोड्यूस करती है, और जो खुद मेगा टॉय जो है वो मार्केटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करती है. सो नेक्स्ट जो है वो है मोड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट. सो द कंपनी विद लो लेवल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजीरियल एक्सपर्टाइज में सीक द असिस्टेंस ऑफ अ फॉरेन कंपनी. मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंपनीज वेयर बाय वन कंपनी प्रोवाइड मैनेजीरियल असिस्टेंस, टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज टू द सेकेंड कंपनी ऑफ द एग्रीमेंट फॉर अ सर्टन एग्रीड पीरियड इन रिटर्न फॉर मॉनेटरी कंपनसेशन. सो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में जो कंपनीज होती है, जो एक कंपनी है वो दूसरे देश की कंपनी से मैनेजीरियल जो एक्सपर्टाइज है वो लेती है. नेक्स्ट है टर्नकी प्रोजेक्ट्स. टर्नकी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो देशों की कंपनीज के बीच में. सपोज कोई इंडियन कंपनी है जिसको कि किसी सिटी में एयरपोर्ट बनाना है, तो इंडियन कंपनी क्या करती है कि अमेरिकन कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है. अमेरिकन कंस्ट्रक्शन कंपनी जो एयरपोर्ट की लोकेशन को फाइनलाइज करने से लेके फुल फ्लैश एयरपोर्ट तैयार करती है, और उसके बाद में वो एयरपोर्ट जो है वो इंडियन कंपनी को हैंड ओवर कर देती है. इसके बदले में वो रेमुनरेशन चार्ज करती है. तो जो टर्नकी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इस तरह के हैवी इन्वेस्टमेंट वाले लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, ऑयल रिफाइनरी, नेशनल हाईवेज, रेलवे लाइन्स एक्सेट्रा. सो ये जो टर्नकी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हैवी इन्वेस्टमेंट वाले लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं. So far we have discussed the indirect methods of entering foreign markets. Now we shall discuss the direct method. तो direct method में सबसे पहले आता है foreign direct investment without alliances. So a foreign direct investment is an investment in the form of a controlling ownership in a business, in real estate or in productive assets such as factory in one country by an entity based in another country. Next है foreign direct investment with strategic alliances. Innovations, creations, productivity, growth, expansion and diversification in the recent years are mostly accomplished by the strategic alliances adopted by various companies like mergers and acquisitions and joint ventures. Strategic alliance is a cooperative and collaborative approach to achieve the larger goals. So the mode of foreign direct investment through alliances are mergers and acquisition and joint ventures. Merger and acquisition. So merger or acquisition, they are also one of the mode to enter into the foreign market. So इसमें क्या होता है, domestic company select a foreign company and merge itself with the foreign company
इन ऑर्डर टू एंटर इंटरनेशनल बिजनेस. सो एक डोमेस्टिक कंपनी जो होती है वो किसी फॉरेन कंपनी के साथ अपने आप को मर्ज कर लेती है टू एंटर इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस. अल्टरनेटिवली द डोमेस्टिक कंपनी में परचेज द फॉरेन कंपनी एंड एक्वायर्स इट्स ऑनरशिप एंड कंट्रोल. और दूसरा है कि जो डोमेस्टिक कंपनी है वो फॉरेन कंपनी को एक्वायर कर लेती है और इस तरह से ऑनरशिप और कंट्रोल उसके पास आ जाता है. डोमेस्टिक बिजनेस सिलेक्ट्स द मोड ऑफ एंटरिंग इंटरनेशनल बिजनेस एंड इट प्रोवाइड्स इमीडिएट एक्सेस टू इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड द मार्केटिंग नेटवर्क. अदरवाइज द डोमेस्टिक कंपनी फेसेस सीरियस प्रॉब्लम्स इन गेनिंग एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट. फॉर एग्जाम्पल कोका कोला एंटर्ड द इंडियन मार्केट इंस्टेंटली बाय एक्वायरिंग द पार्ले एंड its bottling units. In addition, the domestic company through the strategy of mergers and acquisition may also get access to new technology or a patent right. So next is joint venture. So joint venture mein kya hota hai? Joint venture mein two or more firms, they join together to create a new business entity that is legally separated and distinct from its parents. Joint ventures are established as a corporation and owned by the funding partners in the predetermined proportions. For example, American Motor Corporation entered into a joint venture with the Beijing Automotive Works called Beijing Jeep to enter Chinese market by producing Jeeps and other vehicles. So, American Motor Corporation थी उसने किसी Chinese जो Jeep company थी उनके साथ joint venture किया और इस तरह से वो जो थी China की market में enter कर गई. Joint ventures involved shared ownership. Joint ventures are common in international business. Joint ventures involve the local companies. So this act improves the local image in the host country and also satisfied the government requirements regarding the joint ventures. So learners, this is all about the different modes of entering into international business. So till the next session, bye and happy learning.